शिव नृत्य, डमरू की आवाज, कपूर और धूपबत्ती के साथ भगवान शिव की आरती और फिर जलाभिषेक। ये सब किसी मंदिर में नहीं बल्कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर हो रहा है। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने मेहताब बाग, जो कि ताजमहल से थोड़ी ही दूरी पर है, वहां जाकर शिव पूजा की। इस दौरान शिव नृत्य भी हुआ, डमरू की आवाज भी सुनाई दी तो वहीं कपूर धूप बत्ती के साथ भगवान शिव की आरती हुई। इस दौरान शिव का जलाभिषेक भी किया गया। ये सब किया अखिल भारत हिंदू महासभा के मंडल उपाध्यक्ष पवन बाबा ने। पवन बाबा ने धूप बत्ती और कपूर को एक दिए में रखकर अग्नि प्रज्वलित की और तेजो महाले की आरती कर बम बम भोले करते हुए शिव नृत्य और तांडव करने लगे। लगभग 10 मिनट तक उन्होंने पूजा अर्चना की। मेहताब बाग में सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन तब तक पवन बाबा बेलपत्र, धतूरा और बेर तेजो महाले पर चढ़ा चुके थे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट और युवा प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश भदौरिया ने संयुक्त रूप से कहा कि हम लगातार ताजमहल को तेजो महाले मानते हुए आ रहे हैं। हर वर्ष किसी न किसी रूप में हम जलाभिषेक और आरती करते हैं। देखिए, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है तो हमारे मंडल उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के पवन बाबा जी हैं। उनको स्वप्न में भगवान शिव आए थे और उन्होंने पूजा अर्चना की गई थी, तो पवन बाबा जी ने आज तेजो महाले की पूजा अर्चना की है और जलाभिषेक किया है एवं शिव तांडव भी किया है। अभी सूचना मिली है कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनको रोक लिया गया है, तो हम उनकी रिहाई का कार्य भी अभी करवाएंगे, उनको रिहा भी कराएंगे। महाशिवरात्रि का शुभ त्यौहार है और महाशिवरात्रि पर हमारे ताजमहल, जो तथाकथित लोग उसको ताजमहल कहते हैं, असल में तेजो महाले है। यहाँ पर हिंदू महासभा का लगातार संघर्ष जारी है। हर महाशिवरात्रि पर यहाँ पर बेर और बेलपत्र चढ़ा के पूजा की जाती है। आज वृंदावन की नगरी से पवन बाबा जी, जो मंडल के उपाध्यक्ष है हिंदू महासभा, उनके स्वप्न में आज भगवान शिव आए और शिव ने कहा मेरा जलाभिषेक भी करो। तो आज बाबा ने यहाँ पर आकर सबसे पहले धूपबत्ती लाई, जोत जलाई और जोत जलाने के बाद तेजो महाले की आरती करी, बेलपत्ता चढ़ाया और जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद शिव तांडव भी किया, शिव नृत्य भी किया। तो अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करती आ रही है और हमारा ये जो संघर्ष है ये लगातार संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि अप्रैल 2015 में आगरा जिला अदालत में 6 वकीलों ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया कि ताजमहल एक शिव मंदिर था और इसे तेजो महाले के नाम से जाना जाता था। इस याचिका के जरिए हिंदुओं को परिसर के अंदर पूजा की इजाजत देने की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और ASI से जवाब तलब किया था। इसी के बाद संस्कृति मंत्रालय ने नवंबर 2015 के दौरान लोकसभा में साफ किया था कि ताजमहल की जगह पर मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी लगातार ताजमहल में घुसकर या फिर उसके बाहर ऐसी कोशिशें समय समय पर होती रहती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।